गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पोइम 6 ऑफ क्लास 10+2 आंट जेनिफर स्टाइगर रिटन बाय एड्रियन रिच। स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टेंजा, आंट जेनिफर स्टाइगर प्रिंस अक्रॉस ए स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिचन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. तो जो आंट जेनिफर है उसके जो टाइगर्स हैं, जो वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, एम्ब्रॉयडरिंग होता है कढ़ाई, किसी कपड़े पे टाइगर बना रही है वो कढ़ाई के साथ। प्रिंस अक्रॉस ए स्क्रीन, वो एक पर्दे पर उछल रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिचन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज, टोपाज जो है एक पीले कलर का स्टोन होता है, पत्थर होता है, चमकीला पत्थर, तो वो चमकीले पत्थर की तरह, चमकीले पत्थर से जो है कंपैरिजन किया है टाइगर्स का, टाइगर्स के कलर का। डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वो सिटीजन हैं, नागरिक हैं एक हरे संसार के। हरा संसार किसको बोला गया? फॉरेस्ट को, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते हैं। और बैकग्राउंड इस, ये चित्र जो वो कढ़ाई से बना रही है उसमें बैकग्राउंड लिया गया है वो जो जंगल है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वो वृक्षों के नीचे लहरा रहे हैं बिना डरे हुए व्यक्तियों से। दे पेस इन स्लीक च्वेलरिक सर्टेनिटी, वो गति करते हुए दिख रहे हैं एक इन स्लीक, स्लीक होता है बिल्कुल पतला, ये जो पतला है पर्दा है इस पे। च्वेलरिक, च्वेलरिक होता है जेंटलमैन की तरह। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी स्पष्ट रूप से। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द पोइटेस इज टॉकिंग अबाउट ए लेडी, जो कवित्री है वो बात कर रही है एक औरत के बारे में। हु सी, होम सी एड्रेस इज एज आंट जेनिफर, जिसको वो आंट जेनिफर कह के संबोधित करती है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग ए पीस ऑफ क्लोथ, वो एक कपड़े के टुकड़े पर जो है कढ़ाई कर रही है। इट कुड बी ए टेबल क्लोथ, वो एक टेबल क्लोथ हो सकता है, मेज के ऊपर डालने वाला कपड़ा, और ए वॉल हैंगिंग या फिर एक दीवार पे लटकाने वाला। द पैटर्न शोज टाइगर्स, अब जो पैटर्न है वो दिखा रहा है कि जो टाइगर्स हैं, जो बाघ हैं, हु आर मूविंग, जो कि गति करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, एंड जंपिंग, और उछल कूद करते हुए, ऑल अराउंड द क्लोथ, पूरे के पूरे कपड़े पर। दे आर ब्राइट येलो इन कलर, वो जो है ब्राइट बिल्कुल चमकीले पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं। लाइक द कलर ऑफ टोपाज स्टोन, जिस प्रकार से टोपाज स्टोन होता है जो उसके कलर के समान। द डेंस ग्रीन फॉरेस्ट, जो घना हरा जंगल है बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड लिया गया है। इज देयर होम, वो उनका घर है। दे आर प्राउड, वो अपने ऊपर गर्व है उनको, एंड फियरलेस सिटीजन, और डर रहित नागरिक हैं। ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। हियर इज ए कंट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड हर टाइगर्स, यहाँ पे एक तुलना दिखाई गई है जो आंट जेनिफर है और उसके द्वारा बनाए गए जो बाघ हैं उनके बीच। द टाइगर आर फियरलेस बट दिस लेडी हु इज एम्ब्रॉयडरिंग देम इज नॉट सो, कि जो बाघ हैं वो तो डर रहित हैं लेकिन ये जो औरत है जो कि उनको कढ़ाई करके बना रही है वो डर रहित नहीं है। द टाइगर्स लुक एलिगेंट, जो बाघ हैं वो सुंदर दिखाई दे रहे हैं, एलिगेंट प्राउड कह सकते हैं, शाइनिंग चमकते हुए, एंड फुल ऑफ ज्वेलरी, और बिल्कुल जेंटलनेस जैसे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सेकंड स्टेंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, अब आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो लड़खड़ा लड़खड़ा रही हैं थ्रू हर वूल,
वूल बोलते हैं जो ऊन होती है, अपनी ऊन के द्वारा। फाइंड इवन द आइवोरी नीडल हार्ड टू पुल, यहाँ तक कि जो हाथी दांत की जो सुई है वो उसको खींचने में या उसको क्रॉस करने में कपड़े में से बहुत मुश्किल महसूस कर रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा वजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है उसके ऊपर। किस बात का? ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अब जो अंकल के साथ, जिस व्यक्ति के साथ उसने शादी की है, उस व्यक्ति के द्वारा जो कंगन वगैरह पहनाया गया होगा, उसको एक वेट के तौर पे, जो एक पोइटेस यहाँ पे दिखा रही है कंट्रास्टिंग वे में, सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो जो है आंट जेनिफर के हाथों पर जो है बहुत भारीपन से बैठे हुए हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द लेडीज फिंगर आर ट्रेम्बलिंग विद द फियर ऑफ हर हस्बैंड, अब जो इस औरत की उंगलियां हैं वो लड़खड़ा रही हैं अपने पति के डर से। सी इज परस्यूइंग हर हॉबी इन हर फ्री टाइम, वो अपनी जो हॉबी है उसकी, जो पसंद है, उसको पूरा कर रही है इन हर फ्री टाइम, अपने खाली समय में। बट प्रोबेबली, परंतु शायद, सी इज स्टिल अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, वो अभी भी अपने पति से भयभीत है। हु कुड स्कोल्ड हर, जो कि उसको डांट सकता था। हर फिंगर आर शो टायर्ड ऑफ वर्किंग, उसकी उंगलियां जो हैं वो इतनी थक चुकी हैं कार्य करते हुए, एंडलेसली, अंतरहित तरीके से, ऑल हर लाइफ, पूरे अपने जीवन में। द नीडल इज सो हैवी फॉर हर टू पुल आउट ऑफ द क्लॉथ, कि वो जो आइवोरी नीडल है, जो हाथी दांत की बनी हुई सुई है, वो भी उसको इतनी भारी लग रही है कि वो उसको क्लॉथ से, कपड़े में से निकालने में मुश्किल महसूस कर रही है। द लेडी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड, अब ये औरत जो है वो अपने पति पर निर्भर है। सी इज स्टिल बर्डन्ड बाई द वेट ऑफ द रिंग, वो अभी भी जो है भारीपन महसूस कर रही है उस वजन के साथ जो रिंग पहनाई गई है उसके पति के द्वारा। सी हैज़ बीन बर्डन्ड बाई द ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिड लाइफ, वो जो है भारीपन महसूस करती है। किस वजह से? जो विवाहित जीवन की कर्तव्य हैं जो एक औरत को निभाने पड़ते हैं, उनकी वजह से। एंड हैज़ बिकम मैंस प्रॉपर्टी, और व्यक्ति की ही, आदमी की ही जो प्रॉपर्टी है वो बन चुकी है। व्हेन आंट इज डेड, कि जब ये आंट जो है मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल बी स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, उसके डरे हुए जो हाथ हैं वो फिर भी जो है रिंग्ड विद, रिंग्ड का मतलब है बंधे हुए होंगे, विद ऑर्डियल्स, जो कर्तव्य हैं जीवन के, उनसे। सी हैज मास्टर्ड बाई, जिनकी वो मास्टर है, जिन पे उसने जो है निपुणता प्राप्त की है, जिन कार्यों को अच्छे तरीके से कर सकती है। द टाइगर्स इन द पैनल, जो बाघ हैं पर्दे पर, दैट स्टिल दैट सी मेड, जो उसने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो गति करते हुए, लहराते हुए दिखेंगे, प्राउड, गर्वपूर्ण दिखेंगे, एंड अनअफ्रेड, और बिना डरे हुए। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? हर विश टू लिव ए फ्री फियरलेस लाइफ इज इंडिकेटेड बाय हर चॉइस ऑफ डिजाइन टाइगर्स, उसकी जो इच्छा है एक स्वतंत्र और डर मुक्त जीवन जीने की, वो संकेत करती है उसके जो चॉइस ऑफ डिजाइन है, कि वो क्या डिजाइन करना चाहती है। उसकी जो इच्छा है वो है टाइगर्स की, तो ये टाइगर्स जो है वो पहले ही इंडिकेट कर रहे हैं उसकी विश को। इट शोज हर इनर मोस्ट डिजायर ऑफ बीइंग स्ट्रोंग, ये दिखाता है उसकी जो आंतरिक, जो अंदरूनी इच्छा है बीइंग स्ट्रोंग, कठोर होने की, फियरलेस, डर मुक्त होने की, विच हैज बीन ओवर पावर्ड बाई हर हस्बैंड, जो कि उसके पति के द्वारा जो है उसके ऊपर ज्यादा काबू पा लिया गया है। परहैप्स हर ऑर्डियल्स विल एंड विद हर डेथ, शायद उसके जो
कार्य हैं वो शायद समाप्त हो जाएं उसकी मृत्यु के साथ। हर फ्राइटेंड फिंगर्स विल बी पुट टू रेस्ट, उसकी जो डरी हुई उंगलियां हैं शायद वो आराम की स्थिति में आ जाएं। बट स्टिल इवन आफ्टर हर डेथ, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात भी द रिंग शैल रिमेन ऑन हर हैंड, कि ये जो रिंग है, जो मैरिज बैंड है, वो उसकी उसके हाथ पे हमेशा बना रहेगा। हर हस्बैंड्स रूल ओवर हर इज नॉट येट ओवर, कि उसके पति का जो शासन है उसके ऊपर वो समाप्त नहीं होगा उसकी मृत्यु के बाद भी। बट आफ्टर हर डेथ, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात हर डिजायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस शैल रिमेन अलाइव, उसकी जो इच्छा है स्वतंत्रता की और जो फियरलेसनेस है, जो डर मुक्त जीवन है, वो जिंदा रहेगी। इन दीज टाइगर्स, इन बागों में, विच सी हैज एम्ब्रॉयडर्ड, जिनको उसने कढ़ाई करके यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे पोइम हमारी समाप्त होती है, तीन ही स्टेंजा थे।